दुर्ग पोटिया कलावाड़ चौवन स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड से हो रही परेशानियों से निजात दिलाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने महापौर से मिलकर चर्चा की और हल निकालने कहा। दुर्ग शहर की पोटिया कला वार्ड में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड से हो रही परेशानियों को लेकर बुधवार को वार्ड 54 के पार्षद के साथ वार्ड के लोगों ने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल से मुलाकात की और ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर चर्चा की। इस मामले में वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड में ट्रेचिंग ग्राउंड के चलते यहाँ से उठती बदबू, फैलती गंदगी के साथ वार्डवासियों को गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है, साथ ही अन्य समस्याओं का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में इस समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर महापौर से मुलाकात कर चर्चा करने की बातें शामिल लोगों ने कही। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ सभी वार्डवासी एकत्रित हुए थे ट्रेचिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर। हमारे यहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड जो है एक बहुत लंबे समय से ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा डंप किया जा रहा है, जो सारे पूरे 60 वार्डों का कचरा जो है वहीं पर ले जाके एकत्र करते हैं। उस कचड़े की वजह से हमारे यहाँ ऐसी समस्या है कि धुएं से लोग परेशान रहते हैं, रोज के रोज वहाँ इतना धुआं निकलता है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है और उनसे गंभीर बीमारियाँ भी एकदम पाँव पसार रही है। और ये कहना चाहूँगा कि 24 अगस्त 2000 अभी 22 को एक आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन हुआ था, हमारे सभी वार्डवासियों ने सांकेतिक आंदोलन किए थे, तो हमको आश्वासन मिला था कि जल्द ही ट्रेचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे करके, वो अभी तक नहीं हो पाया है और वो अवधि 24/12 को कंप्लीट हो गई है, तो वो समय अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। तो हम सभी वार्डवासी चाह रहे हैं कि जिस तरह से कमिटमेंट हुआ था निगम प्रशासन द्वारा, उनको अपने कमिटमेंट को वो पूरा करें और हमें उन समस्याओं से निजात दिलाए जिनसे पूरे वार्डवासी एकदम गंभीर रूप से पीड़ित। हम सब ट्रेचिंग ग्राउंड के संबंध में यहाँ पर आए थे और ट्रेचिंग ग्राउंड से अभी जैसे 2 महीना पहले संबंधित ये को ठेका दिया गया था वहाँ निष्पादन करने के लिए, और कार्य जो है धीमी गति से चल रहा है और बड़ी मशीन लाने की बात कही गई है लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। और नगर निगम द्वारा रोज़ 100 टन से ऊपर वहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है, तो और आए दिन आगजनी होती है, वहाँ आग लग जाता है जिससे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। इस विषय को लेकर हम लोग कचरा बंद करने के लिए और काम को अतिशीघ्र तेज़ी लाने के लिए यहाँ पर आए। महापौर जी ने बोला है कि जल्द इसका ये होगा और आदेश किया जाएगा कि कचरा बंद किया जाए और सफाई का काम जल्द से जल्द किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।